केंद्रीय मंत्री समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर भगवानपुर प्रखंड मैदान में एक शोक सभा का आयोजन कर शरद यादव को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शोक व्यक्त करते हुए पूर्व प्रमुख कृष्ण कुमार राय ने कहा कि शरद यादव भारत के समाजवादी नेता में से एक थे, समाजवादी के प्रखर नेता थे। वहीं पूर्व उप प्रमुख संजीव गुप्ता ने कहा कि वो समाजवादी नेता थे, मध्य प्रदेश के रहते हुए बिहार की राजनीति करते थे। वहीं राष्ट्रीय लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष शिव कुमार चौधरी ने कहा कि उनके प्रति दुख संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। भगवानपुर से चंदन शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का आज निधन हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शरद यादव भारत के समाजवादी नेताओं में एक थे, जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके मरने से देश को समाजवादियों का एक धरोहर खो दिया है। शरद यादव मध्य प्रदेश से राजनीति में आए और बिहार की धरती पर भी उन्होंने समाजवाद का झंडा लहराया। वे समाजवादी के प्रखर पर नेता थे। मैं अपनी ओर से, अपने प्रखंड वासियों की ओर से ईश्वर से दुआ करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता मिले। कृष्ण कुमार राय। मंत्री शरद यादव जी का निधन हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? आज जदयू के राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी का देहांत हुआ, ये समाचार आज सवेरे सुनने के लिए मिला। शरद यादव एक सामाजिक न्याय के मसीहा थे और सामाजिक सरोकार के धरोहर थे। वो बिहार में मधेपुरा से अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और दिल्ली तक जो है से उन्होंने बिहार का नाम रोशन करने का काम किया। मुझे भगवानपुर प्रखंड की ओर से, आम जनता की ओर से भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। संजीव कुमार गुप्ता, पूर्व उप प्रमुख। केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया, इसको क्या कहना चाहेंगे? केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी के प्रति मैं दुख संवेदना व्यक्त करता हूँ। इन्होंने जो भारत में काम किया, मध्य प्रदेश की धरती से इनका जन्म हुआ था और पूरे भारत में इन्होंने जो परचम लहराने का काम किया और सबसे बेसी इनका योगदान बिहार में रहा और बिहार के चप्पे चप्पे में हर दिल में बसे हुए थे। मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए परमपिता संभूति आनंद मूर्ति से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति हो और पुनर्जन्म इनकी बिहार में हो और बिहार का अगला भावी मुख्यमंत्री बने, यही मेरा कामना है। शिव कुमार चौधरी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रखंड अध्यक्ष, भगवानपुर।